नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। धार्मिक आस्था केंद्रों से जुड़े हुए एक अद्भुत आस्था के केंद्र से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। आज हम उपस्थित हैं रीवा जिले के मऊगंज के पास स्थित चतुर्भुज भगवान के अलौकिक मंदिर, जो दुबिया धाम के नाम से जाना जाता है। क्या रहा है इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास, कैसे यहाँ पर स्थापित की गई चतुर्भुज भगवान की मूर्ति, और क्या है यहाँ के लोगों का आस्था, उनकी श्रद्धा का ये केंद्र। पूरे के पूरे मंदिर परिसर को आपको भ्रमण कराते हुए इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास, इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानियाँ, यहाँ के लोगों की आस्था को, इन लोगों की मान्यताओं को किस तरीके से चतुर्भुज भगवान अपने आशीष से पूर्ण करते हैं, इन सारी चीज़ों की वार्ता, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम अपने इस विशेष दर्शन के दौरान आपको कराने वाले हैं। आप मेरे पीछे जो ये एक गोल्डन कलर का मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान चतुर्भुज भगवान का मंदिर है। और बात करें यहाँ पर स्थापित मूर्ति की, तो एक अलौकिक मूर्ति है। कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारे ऐतिहासिक विचार हैं जिस मंदिर को लेकर के हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर में उपस्थित यहाँ के पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कब से वो मंदिर में यहाँ पूजा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं पुजारी जी, हम आपका द खबरदार न्यूज पर जी, और हम चलते हैं भगवान के पास। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भगवान चतुर्भुज का ये एक विशाल अलौकिक मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और अगर बात करें इनके इतिहास की, तो ये काफ़ी प्राचीनतम बताए जाते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार और लोगों से चर्चा करने पे जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं, गिरीश गिरी नाम है जी। हाँ, हमारे पूर्वज से यहाँ की पूजा कर रहे हैं जी। उसी पद्धति से हम भी यहाँ की पूजा कर रहे हैं जी। और भगवान श्री चतुर्भुज का मंदिर है जी। अब इनके बारे में गुरु महाराज जी देवगिरि महाराज यहाँ स्थापना किए थे, जो यहाँ पर जिंदे समाधि लिए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय निवासी यहाँ के हैं, आपका भी परिचय जी। भैया, मैं भैया लाल पांडे जी। और यहाँ भगवान के दर्शन के लिए लालायक रहते हैं, आते रहते हैं। यहाँ पे श्री बाबा देवगिरि महाराज ने गया धाम से ठाकुर जी को लाए और यहाँ पे रख दिए। वो जो तालाब के पास मंदिर बना है, वो प्रभु का दरबार वहाँ पे था। अच्छा। लेकिन वहाँ से जब यहाँ मंदिर यहाँ रख दिए, तो प्रभु ने सपना दिया कि हम अब यहीं पे रहेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो फिर दो तीन साल खुले में रह गए। फिर इसके बाद मंदिर श्री बाबा देवगिरि महाराज जी ने बनाया, उनकी ये समाधि स्थल है। और श्री वेंकट रमन समय थी समाधि जी जी जी, उनके सामने ये समाधि स्थल हुई। आज भी वो यहाँ पे ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, तालाब पे भोलेनाथ की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे जो जैसे आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं ठाकुर जी पूरी करते हैं। और यहाँ पे जन्माष्टमी को भव्य मेला भी लगता है। और हमने यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार सुना कि जब ये आए रथ के द्वारा इनको लाया गया जी। तो रात्रि विश्राम के लिए वो लोग यहाँ पे रुक गए थे जी। तो फिर उसके बाद प्रयास किया गया इनको यहाँ से दूसरी जगह नहीं, वो तालाब के पास जो मंदिर बना हुआ है ठाकुर जी के लिए, मंदिर वो बना था कि यहाँ पे रख दिए रात को। अब यहाँ पे पूजा पाठ जो सुदीन साई मतलब स्थापना करनी थी वहाँ पे, लेकिन प्रभु ने सपना दिया कि नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। तो मंदिर यहाँ पे बना और फिर वहाँ पे भोलेनाथ की स्थापना जी जी जी। तो ये इस मंदिर से जुड़ी ही एक प्रमुख आस्था। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया आस्था। लगभग कितने दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं? बस मान के चलिए 100-150 के करीब डेली आते हैं। और भंडार समय समय पे भंडारा होता है। इन साल तो श्री भागवत कथा नहीं हुई, तो हर साल 3-4 साल से कथा भी यहाँ पे होती थी। और जन्माष्टमी को एक दिवसीय मेला लगता है, सवेरे पूरी दुकान सजेगी, दिन भर मेला रहेगा, रात को पूरी दुकान उठ जाएंगे। और शासन प्रशासन अपने स्तर पर किस तरीके से मंदिर के विषय में प्रयास करता है, जैसे आप यहाँ के
पुजारी हैं। हाँ। शासन के द्वारा जो सरकारी मंदिर हैं, हमने सुना ये ट्रस्ट के अंतर्गत हाँ, मंदिर आता है। हाँ, हाँ, तो आप लोग को किसी भी प्रकार का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है क्या? हाँ, विधायक जी यहाँ के सुखेंद्र सिंह 30 लाख रुपया मंजूर कराए थे मंडल बनवाने के लिए, पूरा बाउंड्री परिषद है। और इसके बाद हमको वेतन शासन 3,000 रुपया महीना देती है। चलिए, एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके जीविकोपार्जन के लिए 3,000 रुपये ही सही, सरकार अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर रही है, एक सुखद कह सकते हैं। क्योंकि हमने कई सारे मंदिरों पे बातचीत की तो लोग जो पुजारी हैं वहाँ के तो कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता झेलते रहते हैं, और आप जो है तो आपके बारे में भी आपका परिचय जानना चाहेंगे। बताइए। मैं भी ये जो पुजारी हैं जी। बस नहीं किया धांगनी, यही झाड़ू पोंछ हमें पूजा में हमेशा लगे रहते हैं, भगवान का भोग लगता है तो उनका प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ, बस यही। तो आप दोनों लोगों का जीवन इन्हीं चतुर्भुज भगवान के चरणों में पूरा समर्पित है। कितने वर्षों से आप पूजा पाठ कर रहे हैं? पहले कुलपूज था, अपना ही था, आज 6-7 साल हो गया तो सरकारी भी हो गया है, तो इन्हीं का है, तो 6-7 साल होगा हम लोगों को, दोनों जन को यहीं रहते हैं जी। हाँ, और जिसके बाद अगर हम बात करें जो आपने सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के बारे में बात की, जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के प्रदीप पटेल जी, तो उन्होंने इस मंदिर के निर्माण पुनरुद्धार के लिए जो तो क्या प्रयास? नहीं नहीं, कुछ प्रयास नहीं किए। अभी एक बार बोले थे कि हमें यहाँ जल वल का बहुत समस्या है, तो आप बोर करवा दीजिए या मोटर रखवा दीजिए, तो बोले कि ठीक है हम करवाएंगे। तब से यहाँ से विधायक जी नहीं आए मंडल में। और यहाँ अपने पीछे आप दिखाइए थोड़ा सा जो तो जूम करके, यहाँ बहुत सारे नारियल। हाँ, तो ये मानता नारियल है, जिसके मान लीजिए कोई काम है तो मन्नत का नारियल है, जब उसका काम हो जाता है तो मंडल में बाहर मंडल तोड़ा जाता है और अपना कथा भागवत जो जो इतना यथा सकती है मन्नत होती है। हाँ, उसके लिए यहाँ पे नारियल बांध दिए। हाँ 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 हाँ। और जन्माष्टमी के दिन लगभग कितने लोग यहाँ पर आते हैं? अपार मेला लगता है, बहुत अपार मेला। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अब मान चलिए यहाँ से हनुमना से लेके इधर पन्नी देव तालाब तक के सब लोग आते हैं, पूरे ग्रामीण लोग आते हैं, बाहरी भी आते हैं। और एक दिवसीय खास बात है कि एक दिवसीय मेला लगता है, अगर 2 दिन का मेला हो गया तो कहीं बारिश तूफान इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि सवेरे आओ शाम को चले जाओ, तो एक दिवसीय मेला लगता है, लेकिन अपार मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से कोई बाहर से आना चाहता है यहाँ पर, इस मंदिर में अलौकिक मंदिर है, तो वो किस मार्ग से कैसे आ सकता है, इस बारे में थोड़ा जानकारी? अब जैसे यही नेशनल हाईवे 7 है, बनारस वाली रोड है, बनारस रूट पे आए और ये चौना बस स्टैंड है, यहाँ पे उतर जाएं और ठाकुर जी के दरबार में आ जाएं। जी जी जी। और रीवा से आना? अरे हाँ, मिर्जापुर, वही बनारस रूट, वही बनारस। लगभग रीवा से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये मार्ग? चलिए 70 किलोमीटर जी, 72 या 70। जी जी जी। और वैसे अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते हैं कि कितने प्राचीन मंदिर है, लगभग फिर भी कितने वर्ष पुराना होगा ये यहाँ का? 1000 वर्ष के ऊपर होगा। हाँ, हाँ। और इनकी जब मूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ पर अंकित हैं, ऊपर भी चारों तरफ, ये इनके भक्तों की हो सकती हैं। ठाकुर जी का पूरा दरबार हो, भोलेनाथ हैं। अच्छा, एक किनारे बजरंगबली हो जी, ऊपर जहाँ ये लगा हुआ है। थोड़ा सा आप अंदर आ जाइए, हम चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। जी, तो जी ये भोलेनाथ, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ है जी। एक तरह से कहा जाए तो ठाकुर जी का दरबार है, ये पूरा का पूरा मतलब दरबार। लक्ष्मी जी है इधर उधर, लक्ष्मी जी है, उनकी सखियाँ हैं। अच्छा, और ये सुदर्शन चक्र है उनका, ये एक हाथ पे शंख है, एक गदा है, एक पद्म है। जी, पद्म है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप ऐसे ठाकुर जी की प्रतिमा कहीं नहीं पाएंगे, एक जगह पाएंगे, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में ठाकुर जी का हमारे चेहरा थोड़ा सा गोल है, तिरुपति बालाजी के थोड़ा सा चेहरा लंबे हैं, और ठाकुर जी का पूरा दरबार है। तिरुपति बालाजी शिलाजीत रूप धारण खुद किए हैं, वो प्रतिमा वहाँ की है नहीं, तो मान के चलिए कि जितने ठाकुर जी के मुकुट है इतने में पूरे चौड़ाई में तिरुपति बालाजी, माने सेम तिरुपति बालाजी यहाँ पे दरबार से ये स्थापित है, और वहाँ पे दरबार नहीं, तिरुपति बालाजी के दूसरे रूप है यहाँ पे। जी, बगल में एक ये प्रतिमा लक्ष्मी जी की, ये बाद में स्थापित की गई। हाँ, ये आवाज स्थापन की गई, और लक्ष्मी तो यहाँ पर है ना, लक्ष्मी जी यहाँ है। और आरती वगैरह का समय अगर किस समय पे करते हैं, इस बारे में थोड़ा? अब सुबह
सात बजे पूजा उजा करने के बाद फिर आरती होती है, और शाम को ऐसे 7 बजे यात्री लोग आए, जब बाजा उजा बजा तभी आरती होती है। भोग प्रसाद में कुछ विशेष प्रसाद ठाकुर जी को लगाते हैं कि? अब वही जो ठाकुर जी दिए वही हम भोग लगा दिए हैं, चावल दाल सब्जी रोटी जो दिए, पूरी सब्जी जो उनकी इच्छा हुई वही हम अर्पण कर देते हैं, उनको अर्पित कर, हाँ, कर देते हैं। और काफी अच्छी जो है तो ये मूर्ति, ये लाई कहाँ से गई थी इस बारे में कोई जानकारी है क्या? ये बोध गया से गुरु महाराज जी ले आए रहे, धूपगिरी महाराज, उन्हीं के नाम से दुबिया गांव नाम पड़ा। गुरु महाराज हमारी इच्छाधारी रहे, जब इच्छा पड़े तो गौ के रूप धारण कर ल, जब इच्छा पड़े तो नागा के रूप धारण कर ल। आप लोग के पूर्वज थे? हाँ, पहले नागा मठ था, हमारे बाबा से शादी हुई, हम तीसरी पीढ़ी में हैं। हाँ, और इसके पहले यहाँ मठ चलता था, पंचजूना अखाड़ा का ये मठ है, तो यहाँ नागा लोग रहते थे, 1015 से नागा रहते थे, उसमें एक महंत रहते थे, जो महंत है पूरा देखभाल करते थे, और यही है इनका वो। अब गुरु महाराज जिंदे समाधि लिए हैं, धूपगिरी नाम था तो जिंदे समाधि लिए। हम उन स्थलों की ओर भी चलते हैं। हाँ ठीक है, ये दरवाजा भी जो है तो एक काफी पुराना है, बहुत पुराने दरवाजा है, काफी समय से जो है तो मतलब काफी इसमें निर्माण कार्य हुए, लेकिन ये दरवाजा पहले का ही गर्भगृह का जो है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे कई सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो ये सब समाधि है जी, ये समाधि गुरुओं के समाधि है जी। और हम नागा लोगों में जमीन में गाड़ी जाते हैं, जलाई जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये किन की समाधि है? ये अर्जुन गिरी की है, उनके चेला है। अच्छा, बाबा, हाँ, तो पहले वो समाधि है जो जिंदे समाधि लिए थे जी, जो यहाँ के मंदिर के स्थापना के सूत्रधार थे। हाँ, और ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य हम देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह का निर्माण सारी चीजें, तो ये अभी हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ, मतलब सुखेन सिंह बन्ना के समय में। हाँ, सुखेन सिंह बन्ना के समय में। तो ये समाधि स्थल है, ये श्री बाबा धूपगिरी महाराज, धूपगिरि जी महाराज थे, जिनके नाम से इस स्थल का नाम दुबिया धाम भी पड़ा है, और यहाँ पर उन्होंने समाधि ली जी। और उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो दूब चर के गैया बन के दिन को दूब चर के रहते थे। हाँ, वो नहीं, अधिकांश उनका दूब दूब का भोजन ग्रहण करते थे, इसलिए उनका बाबा श्री धूपगिरी महाराज नाम पड़ा जी जी। और यहाँ पर मंदिर परिसर में जब हम आते हैं तो एक वो बावड़ी का भी निर्माण हुआ। हाँ, बावड़ी। अब ये कितने वर्ष पुरानी होगी लगभग? उसी समय जब मंदिर जी, जब मंदिर की स्थापना हुई। आइए उधर साइड ही चलते हैं थोड़ा सा, तो लगभग किसके द्वारा, किसके समय में निर्माण कराया गया? बाबा के समय में। तो यहाँ के स्थानीय राजाओं के द्वारा कराया गया था या स्थानीय निवासियों के द्वारा, इस बारे में क्या जानकारी है? नहीं, गुरु महाराज करवाए थे, राजा के द्वारा कुछ काम नहीं भरा, वो इच्छाधारी रहे, जब इच्छा पड़े जो चीज उनका उपलब्ध होता हो जाएगा। ये तालाब भी उन्हीं का खुदवाया हुआ है। अच्छा, वो जहाँ जी स्थापना के लिए इनके हुआ था। और पहले जब ये था तो इतना था कि इससे बड़ा था शायद बावड़ी, इससे कम, इससे कम पूरा निर्माण चौड़ाई मात्र किया गया जी। तो पानी रहता है वर्ष भर? हाँ, पानी रहा था, ये बांस देखो लगा, पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। ये भी काफी पुराना वृक्ष है, पुराना है, 100-200 साल पुराना वृक्ष है। यहाँ शनिदेव की स्थापना की गई, शनिदेव की स्थापना लगभग कब की गई? ये अवय आसमय की गई है सामान्य। अच्छा, और इसके अलावा जैसे नवरात्रि वगैरह होता है तो उस दौरान यहाँ भक्तों का तांता लगता है? हाँ, लगता है। भगवान के, लेकिन सबसे अधिक जो है तो जो भक्त आते हैं तो कह सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन, ठाकुर जी के जन्मदिन के दिन जी। और ये पूरा मंदिर परिसर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर काफ़ी प्रयास किया है। और पानी वगैरह की व्यवस्था की बात करें तो पानी वगैरह की क्या व्यवस्था? पानी की बावली हैंड पंप है, उसमें सिर्फ एक रिजेक्ट है जी। हाँ, रिजेक्ट रहा, वो अब थोड़ा बहुत काम आते थे, कादो आवत है, पानी गंदा है। अच्छा, अभी बावली से थोड़ा धुवाई वाई के काम हो जाता है, मोटर लगा है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से?
पानी वगैरह के लिए सरकार से क्या आप इच्छाएं हैं मंदिर परिसर को लेकर के? अब एक बढ़िया मोटर लगवा दें, मोटर लग जाए, फूल बगिया हम लोग लगाए तो उसकी कम से कम सिंचाई का साधन हो जाए तो और हरा भरा भी हो जाए यहाँ पे, कुछ पेड़ पौधे लग जाए, परिसर इतना साफ सुथरा है। हाँ हाँ, और नहीं परिसर वो पानी मोटर अब किसी तरह से एडजस्ट करके आप लोग धुलते हैं इनको, और परमानेंट व्यवस्था हो जाए तो कम से कम ये सफाई तो डेली का डेली होती रहे। इतना बड़ा लागत है तो आप दोनों लोग ही रहते हैं जो? तो हाँ हाँ, मैं दोनों यहाँ भगवान के प्रसाद लगाए, हम भोग लगाए, भगवान की पूजा पाठ किए। यहाँ पे इस मंदिर में भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं यहीं से, जो ये प्रतिमा यहाँ से है, विष्णु भगवान के चरण है। अच्छा, उनका त्रिशूल है, पहले यहीं में जल चढ़ाया जाता था। अच्छा, अब लोग वहाँ अंदर जाकर चढ़ाते हैं, पहले गुरु महाराज यहीं स्थापना कर दिए थे कि उनका दर्शन किया जाए और इसमें जल चढ़ाए, हाँ जल चढ़ाया जाए। हाँ, यहाँ पर हम लोग आना चाहेंगे। जी आ जाइए आप भी, ये दक्षिण मुखी बजरंग बली है। लेकिन जब बजरंग बली के हम स्वरूपों को देखते हैं तो ये उन स्वरूपों से बिल्कुल अलग जो दिखाई देते हैं, जैसे इनके कमर में कटार है ये शायद, ये पूरा श्रृंगार माला वाला पहने हैं पूरा वो, अब ये सब किए हैं बजरंग बली। ऐसी मूर्ति भी जो तो देखने को मिलती नहीं है, दुर्लभ ही है। कटार है इनके पास और नृत्य मुद्रा में है, ऐसा लग रहा है कि नृत्य कर रहे हैं। पर नीचे ये कौन सी प्रतिमा है, किनकी प्रतिमा है? ये राक्षस है, कोई राक्षस को दाव लागत है, अहि रावण को दाव दिए थे जी। जो पाताल में, तो वही प्रतिमा है, ये उस दौर की प्रतिमा है जब संजीवनी लेने के लिए गए थे शायद। हाँ हाँ, भगवान को ले गए थे तो उसी समय की प्रतिमा है जी। और सबसे बड़ा शुभ है ये कि हम बजरंग बली ये दक्षिणी मुँह है जी। हाँ, और इनके बदल बगल में ये शंकर जी का है। अच्छा, ये लक्ष्मी जी का है जी। और ये गरुड़ भगवान का मूर्ति है, गणेश जी का है, गणेश जी का है जी। और ये शंकर जी का है, यही स्थापना है हम बजरंग बली के मंदिर में भाई है। तो ये भी मूर्ति जो है जो बजरंग बली की है, ये एक अद्भुत दुर्लभ मूर्ति है जो देश भर में जो है तो ऐसी बहुत सी बजरंग बली है, जो मांगता है उसको बजरंग बली देते हैं, ये भी है। अभी इसमें सबसे बड़ा यही है कि दक्षिणी मुंह बजरंग बली है, इनका यही बहुत बड़ा प्रताप है। चलिए, आपने मंदिर परिसर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में, जो लोक कथानक है उनके बारे में चर्चा की और बातचीत करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और हम शासन प्रशासन से अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में जो भी व्यवस्थाएं नहीं हो अपेक्षा के शिकार है, हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।